अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च एंड इट्स कम्प्लेक्सिटी। यानी हमने ये दोनों चीजें देखनी है कि बाइनरी सर्च क्या होती है और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लीनियर सर्च के ऊपर वर्किंग की थी, यानी कि लीनियर सर्च का एल्गो देखा था और उसकी कम्प्लेक्सिटी को हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं, उनमें से सर्चिंग भी एक ऑपरेशन है, जिसके मुताबिक हमने एक लिस्ट के अंदर से आपने एक वैल्यू या एक एलिमेंट को सर्च करना होता है। अब सर्चिंग में पहला मेथड आपने देख लिया लीनियर सर्च, अब दूसरा मेथड है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में आपने सर्चिंग वन बाय वन सर्चिंग परफॉर्म की थी, स्टार्ट से लेकर एंड तक वन बाय वन सर्चिंग परफॉर्म की थी, जबकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च के लिए पहली शर्त ये है कि आपका जो डेटा है या आपकी जो लिस्ट है, एरे है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। अब सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब ये है कि अरेंज ऑर्डर में हो, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या है बाइनरी सर्च के लिए? डेटा मस्ट बी इन। सर कोट हुए हूँ सारे जी, सर सॉर्टेड ऑर्डर में हूँ। सॉर्टेड ऑर्डर में हो मींस के अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जो भी जिस किस्म का भी डाटा है आपका, वो अरेंज ऑर्डर में हो। ठीक है, अच्छा। सर दूसरा जो इसकी यानी ना कंसेप्ट है कि आपकी जो सर्चिंग बाइनरी सर्चिंग स्टार्ट होगी वो मिडल एलिमेंट से स्टार्ट होगी। यानी सबसे पहले आपने मिडल लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है, और मिडल लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी होती है उससे सर्चिंग वैल्यू को आपने मैच करना होता है। अगर तो सर्चिंग वैल्यू मैच हो जाती है तो देन आपका जो सर्चिंग एलिमेंट है वो फाउंड हो जाता है। क्लियर? मिडल से मिडल पॉइंट आपने निकालना है, मिडल पॉइंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे सर्चिंग आइटम को या सर्चिंग वैल्यू को आपने मैच करना है। दूसरा स्टेप, क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा, अब अगर सर्चिंग वैल्यू जो आप जिसको सर्च आउट कर रहे हैं, अगर मिडल में वो फाउंड नहीं होती, मैच नहीं करती, तो फिर आपने ये देखना है कि वो जो आपकी सर्चिंग वैल्यू है मिडल वैल्यू से लेस है या ग्रेटर है, स्मॉलर है या लार्जर है। ठीक है, जो सर्चिंग वैल्यू है मिडल एलिमेंट से अगर मैच नहीं करती, तो फिर आपने क्या वेरीफाई करना है कि वो जो सर्चिंग एलिमेंट है क्या वो मिडल वैल्यू से स्मॉलर है या लार्जर है। अगर तो स्मॉलर है तो आपने अपर हाफ या मिड पॉइंट आपने निकाला था ना, मिड पॉइंट से ऊपर वाला हाफ आपने स्किप कर देना है, यानी आपने उसको कंसीडर नहीं करना। तो कंसीडर किसे करेंगे? लोअर हाफ को। और अगर आपकी सर्चिंग वैल्यू मिडल एलिमेंट से लार्जर है, ग्रेटर है, तो फिर आपने लोअर हाफ को स्किप करना और अपर हाफ को कंसीडर करना है। यानी आपके पास एक नई लिस्ट जनरेट होगी, या लोअर हाफ पर मुश्तमिल होगी या अपर हाफ पर मुश्तमिल होगी। एक लिस्ट की आप दो हिस्से कर चुके होंगे, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। क्लियर? यस सर सबको समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर और जब तक हमारा एलिमेंट सर्च आउट नहीं हो जाता या लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, आपने सर्चिंग परफॉर्म करते रहना, और इसी तरीके से आपने आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। क्लियर? क्लियर सर यस सर क्लियर। अब यहां पे देखें, एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च की, एक एग्जांपल है। लेट से आपके पास एक फोन बुक है और उस फोन बुक में 26 पेजेस हैं। फोन बुक के अंदर 26 पेजेस हैं और हर पेज के ऊपर एक टैग है अल्फाबेट का, यानी ए टू जी अल्फाबेट्स हैं और 26 ही पेजेस हैं। आपने फोन नंबर उस पे मेंशन किए हुए हैं, जो जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसी पेज पर उसका नाम लिखा हुआ है। अपने आपके फैमिली फ्रेंड हैं या जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स की लिस्ट है, आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है। जैसे आपका नाम मोहम्मद शाहजेब है तो एम सीरीज यानी एम पेज पे आपका नाम होगा। ठीक है, अब्दुल्ला फर्स्ट पेज पे होगा, ऐसे ना? यस सर अच्छा,
लेट्स से आपने एक नाम सर्च आउट करना है उस लिस्ट के अंदर, तो वो नाम है दाऊद। दाऊद का कॉन्टेक्ट नंबर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं पूरी फोन बुक के अंदर से। तो सर्चिंग मेथड के लिए, बाइनरी सर्च के लिए, पहला जो यानी पहली जो कंडीशन वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए आपका डाटा। तो क्या ए टू जी अरेंज ऑर्डर में है? यस सर। इसका मतलब अरेंज ऑर्डर में पहली शर्त तो पूरी होती है। फिर आपने क्या करना है, सर्चिंग स्टार्ट करनी है मिडल वैल्यू से, यानी आपने फोन बुक को मिड से ओपन करना है। फोन बुक को मिड से ओपन करें, तो मिड से ओपन अगर आप करते हैं तो मिडल वैल्यू कौन सी होगी इसकी, यानी ए टू जी टोटल 26 लेटर्स है, तो इसका मिड पॉइंट आपके पास 13 होता है। M आ गया ना, M या M जो भी है, 13 इसकी हाफ हो गई ना, मिडल वैल्यू, मिडल पॉइंट 26 का हाफ 13। तो आपके पास जो मिड वैल्यू है या मिड पॉइंट है, जो मिडल पेज है, वो M सीरीज का पेज है, ऐसे ही ना। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे L और यहाँ पे M, ये M पेज आपने ओपन किया हुआ है, ऐसे ना मिड से। अब आप टैली करें कि वो जो दाऊद है, दाऊद किससे स्टार्ट होता है, डी से? डी से सर। क्या डी एम से मैच करता है? नहीं करता। तो फिर आपने क्या करना है, मिडिल वैल्यू से मैच नहीं करता, इसका मतलब जो दाऊद है इस पेज पे तो नहीं होगा, ऐसे ही है जी सर। फिर आपने ये देखना है कि जो डी है एम से छोटा है या एम से बड़ा है। M से पहले आता है, M से पहले आता है, तो इसका मतलब M के बाद वाले जितने भी पेजेस हैं उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? लोअर हाफ को। और लोअर हाफ आपका कहां से कहां तक है? A से M तक। M तक, ठीक है। Yes, अब उसको अगेन मिड से ओपन करें। अब आपके पास जो स्टार्टिंग है वो ए ही है, और एंडिंग आपके पास पेज कौन सा है बता सकते हैं कोई? जी 14 का हाफ करेंगे इसको। नहीं नहीं अभी एंडिंग आप देखें ना, आपके पास स्टार्टिंग था ए, एंडिंग था जी, इसका मिड निकाला एम। yes, सर। मिडल एम निकला ना, तो सर ए टू एम होगा। अब आपके पास है ए एम, अब ये आपके पास है स्टार्टिंग ए और एंडिंग आपके पास क्या है, एम। एम ठीक है ना। अगर एम आपका मिडल पॉइंट था तो इससे एक पहले कौन सा स्टेप है, मिडल से तो मैच नहीं किया ना। यस सर। तो ये आपके पास एल को आप कंसीडर कर सकते हैं एंडिंग पॉइंट, ऐसे ना। यूं ही ये जो मेंशन किया गया है ए टू एम, आप इसी को कंसिडर करें, ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका एंडिंग, क्लियर। ए आपका स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट, और एम आपका एंडिंग, क्लियर। क्लियर सर। अपर हाफ को हमने स्किप कर दिया, ये वाला अपर हाफ हमने स्किप कर दिया। अब इसका मिडल निकाले, 13 का मिडल क्या होता है, 6.5। Yes, yes, sir. तो उसमें से इंटीजर, क्योंकि इंडेक्सिंग आपने पॉइंट में नहीं लेनी होती, आपने क्या करना है, आपने 6 को पिक कर लेना है या 7 को पिक कर लेना है। आप ए जो है पहली लोकेशन है और ये 13 लोकेशन है, फर्स्ट प्लस 13 यानी 13 जमा 1 14 हो गया, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। तो 7 जो आपका हाफ होगा वो 7th लेटर होगा और वो है जी, ठीक है। यस सर। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा अब जी से मैच करें, डी मैच होता है? नो नहीं नो सर। फिर आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है वो जो डी है वो उससे जी से पहले आएगा या बाद में आएगा? पहले आएगा। पहले आएगा। अब ए और जी का मिड पॉइंट आपने निकालना है,
ए और जी का मिड पॉइंट, वो आप देख रहे हैं सी जनरेट हो रहा है, ऐसे ना? क्या सी से डी मैच होता है या डी सी से मैच होता है? नो सर, नहीं होता। तो फिर हमने क्या करना है, उस ये देखना है सी से पहले डी आएगा या सी के बाद डी आएगा। सी के बाद, सी के बाद जो डी आएगा इसका मतलब ये है कि हमने इस हाफ को छोड़ देना है और इस हाफ को पिक कर लेना है डी से जी तक। okay, ऐसे ही है। फिर इनका मिड पॉइंट निकालना है, एट द एंड आपके पास वो पेज निकल आएगा जहां पे डी मेंशनड होगा और आप ये कहेंगे कि इस पेज पे आपका जो पर्टिकुलर नेम जिसको आप सर्च आउट कर रहे हैं वो वहां पे फाउंड होता है, डी पे फाउंड होता है या नहीं होता वो बाद की बात है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही है? Yes, sir. ये तो ठीक है बाइनरी सर्च एग्जांपल वाला मिड पॉइंट के साथ निकालने वाला, लेकिन अगर सिंपली हम अल्फाबेटिकल अल्फाबेट को सर्च कर लें तो भी तो सर्च हो सकता है। नहीं, अल्फाबेटिकल हम देखिए ना, सर्चिंग मेथड क्या है, आपने लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है हर बार। आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कम होते जा रहे हैं, आपकी जो लिस्ट 100 पेजेस की थी या 26 पेजेस की थी पहले वो 26 पेजेस पर थी, फिर आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया वो 13 पेजेस पे चली गई मिड पॉइंट की वजह से। अब 13 में से देखना है कि आपने उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 6 पेजेस पे चलेगी बात, ऐसे ना? फिर 6 को 3 पेजेस में आपने डिवाइड कर दिया, तो आप उस लिस्ट को मजीद यानी ये कम करते जा रहे हैं, उसकी तादाद को, उसकी लेंथ को, उसके साइज को आप डिक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएंगे वो आपके पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस क्लियर सर। और मिडिल पॉइंट के समझ भी आ गया, बस मैं वैसे कही थी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर्च क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन आप बाइनरी सर्च का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सर्चिंग करेंगे तो वो लीनियर सर्चिंग परफॉर्म हो जाएगी हमारी। ओके सर। लीनियर सर्च में याद है ना कि आपने स्टार्ट से सर्चिंग परफॉर्म की थी, वन बाय वन सर्चिंग आप परफॉर्म करते जा रहे हैं। जैसे आप कहना चाहती हैं कि ए डी को पहले ए से मैच करें, फिर बी से मैच करें, फिर सी से, फिर डी से, तो वो आपकी लीनियर सर्च होगी, बाइनरी सर्च नहीं होगी फिर वो। क्लियर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एल्गो है। इस एल्गो को समझने से पहले या तो हम एक और न्यूमेरिक एग्जांपल पिक कर लेते हैं या फिर इस एल्गो को पहले समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कैसे कहते हैं, एग्जांपल न्यूमेरिक एग्जांपल देखें या इस एल्गो को देखें? मेरे ख्याल से एग्जांपल देखते हैं फिर आप इस एल्गो की तरफ वापस आएंगे हम। ठीक है, ओके सर। ओके सर, यहाँ पे देखें आपके पास एक लिस्ट है, 10 एलिमेंट की एक लिस्ट है और उसके इंडेक्स नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 10, और जो उसके एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। ऐसे ही है, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। यस सर। अब आपने क्या करना है, सर्चिंग परफॉर्म करनी है बाइनरी सर्च के लिए। पहली शर्त ये थी कि डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर में तो है, ऐसे ही सर। हमने सर्च क्या करना है, हमने सर्च करना है के, के की वैल्यू क्या है, 40 को हमने सर्च करना है इस पूरी लिस्ट के अंदर से। ठीक है, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है और उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। हम दो वेरिएबल लेंगे जो के उसके बिगनिंग और एंडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। बिगनिंग और एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, एक का नाम बैग और दूसरे का नाम एंड। ठीक है, बिगनिंग को हमने असाइन कर दिया 1, एंडिंग को असाइन कर दिया लास्ट इंडेक्स, जो भी उसका इंडेक्स है, एन है या के है या जो भी है। यहाँ पे 10 है आखिरी इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद हमने ये बात की थी कि हमने जो सर्चिंग स्टार्ट करनी है मिडल वैल्यू से स्टार्ट करनी है। अब मिडल वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, मिड इंडेक्स पर, मिडल इंडेक्स पर।
तो फिर हमने क्या करना है, मिडल इंडेक्स निकालना है। तो मिडल इंडेक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई टू, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई टू। बिगनिंग आपके पास वन है, एंडिंग आपके पास क्या है, टेन। भाई ठीक है? यस सर। और डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आता है। क्या मुझे ये बताएं कि इंडेक्सेस में पॉइंट वैल्यू होती है? नो सर। नो सर। तो हमने इसका इंटीजर वैल्यू पिक करनी है। इंटीजर वैल्यू क्या बनती है इसकी, 5। तो मिड कहां पे है, फिफ्थ लोकेशन पर। अब आपने क्या करना है, मिडल वैल्यू को मैच करना है सर्चिंग वैल्यू के साथ। सर्चिंग वैल्यू आपके पास क्या है, 40। यस सर। यस सर, 40 25 से मैच करता है? नो सर। नो सर। यहां पे देखें, हियर के इज नॉट इक्वल टू डेटा ऑफ मिड। जो मिडल वैल्यू है वो डेटा ऑफ मिड है, यानी 40 इज नॉट इक्वल टू 25। ऐसे ही है। यस सर। फिर हमने ये देखना है कि वो जो 40 है 25 से लार्जर है या स्मॉलर है। इस केस में क्या है, स्मॉलर है सर, लार्जर है सर। 40 आपका लार्जर 25 से। यस सर, 25 स्मॉल, इसका मतलब लार्जर है। तो आपने कौन सा हाफ कंसीडर करना है, अपर या लोअर हाफ, 25 से लेस? अपर। हां, अपर हाफ सर। अपर हाफ कंसीडर करना है ना। तो आपने क्या करना है, आपका लिस्ट यहां से फिर स्टार्ट होगी, छठी लोकेशन से, यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ना? यस सर। जब अपर हाफ कंसीडर करना है तो बिगनिंग आपकी चेंज हो जाएगी, बिगनिंग ये बन जाएगी मिड प्लस वन, ऐसे ही ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेटर है, के की वैल्यू ग्रेटर है डेट ऑफ मिड से, तो बिगनिंग को हमने असाइन कर दिया मिड प्लस वन। मिड की वैल्यू थी 5 और 1 ऐड करेंगे तो बिग की बैक की वैल्यू 6 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे आ गया, एंडिंग आपका यहाँ पे आ गया, ऐसे ही है, एंडिंग सेम, एंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। और ये जो मैंने ग्रे कलर किया है, ये इसका मतलब ये है कि इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे। वैल्यूज अपनी जगह पे है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे सर्चिंग में, ठीक है? यस सर। यस। अब अगेन वही प्रोसेस को अडॉप्ट करें, इसका मिड निकालें, बिगनिंग प्लस एंड, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 8। यस सर। तो मिड आपका कहां पे आ गया, 8 पे। मिडल वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, डेट ऑफ मिड, मिड आपने निकाला हुआ 8 और डेट ऑफ मिड क्या होगा, 40। तो फिर आपने ये चेक करना है कि वो जो सर्चिंग वैल्यू है इस मिडल वैल्यू से मैच करती है या नहीं। मैच करती है। तो हम लिख सकते हैं सो सर्चिंग वैल्यू फाउंड एट मिड लोकेशन। जी सर। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखें। यस सर। एग्जांपल है, हमने सर्चिंग वैल्यू चेंज कर दी। अब सर्चिंग वैल्यू क्या है, 50। सर्चिंग वैल्यू क्या है, 50। 50 वही वैल्यूज, वही तमाम एलिमेंट्स एरे के अंदर मौजूद हैं, वही बिगनिंग और वही एंडिंग स्टार्ट हमारे पास, इनिशियल एरे बगैर किसी डार्कनेस के, ठीक है? यानी कोई हमने डार्क कलर नहीं किया, ओरिजिनल 5 मिड वैल्यू निकलती है और मिड पे 50 जो है मिडल वैल्यू से मैच करता है 25 से? नो सर, नहीं करता। नो सर। 50 ग्रेटर है 25 से? यस सर। Yes, तो लोअर हाफ को हमने डार्क कर दिया ताकि कंसीडर नहीं करेंगे, और बिगनिंग में चेंज आएगा ना। यस सर। उसी तरह से फिर इसका मिड निकालें, एक इसका 40 निकला, 40 मैच करता है 50 से? नो सर। 40 मैच नहीं करता, इसका मतलब अब इस वो जो 50 है इससे लार्जर है, मजीद 40 से लार्जर है ना। यस सर। बिगनिंग आपकी ये होगी ना, इससे मिड से आगे, एक स्टेप आगे। भाई मिड प्लस वन जब भी ग्रेटर होगा। यस सर। तो मिड प्लस वन करेंगे तो बिगनिंग में क्या वैल्यू आएगी, 9। यस, ये बिगनिंग 9 होगी और एंडिंग में नो चेंज। अब इनका मिडल,
अब ये देखें, ये सारे पीछे जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे डार्क कर दिए, ताकि उन्हें हमने कंसीडर नहीं करना। अब इनका मिड वैल्यू निकालें, 9 प्लस 9.5, तो इसका मिड कहाँ पे होगा? 9 पे। इंटीजर वैल्यू लेंगे, 9 पे मैच करता है मिडल वैल्यू, यानी ये नेक्स्ट 9th लोकेशन पर जो वैल्यू है 45, 50 से मैच होती है? No, sir. नहीं होती। तो फिर हमने क्या करना है, बिगनिंग में मिड प्लस 1 कर देना है। बिगनिंग क्या होगी? 10, यानी बिगनिंग आपकी 10th लोकेशन पे आ गई और एंडिंग आपका ऑलरेडी 10th लोकेशन पे था। अब आपने मिड निकालना है, 10 प्लस 10 20 20 बाई 2, कितना हो गया? 10 हो गया। तो मिड भी आपका उसी लोकेशन पे आ गया। Yes, sir. कितने एलिमेंट है? बिगनिंग एंडिंग मिड एक ही वैल्यू पर है, एक ही पॉइंट पर है। अब एलिमेंट कितने रह गए लिस्ट में? एक ही एलिमेंट। अब उसी एलिमेंट से मैच करें, मैच होता है? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं सर्चिंग एलिमेंट इज फाउंड एट मिड। क्लियर? Yes, sir, clear. अगर यहाँ पे 60 होता तो फिर हमने क्या करना था, बिगनिंग में मिड प्लस 1 करना था। तो बिगनिंग में मिड प्लस 1 करते हैं तो बिगनिंग आपकी हो जाती है 11। Yes, 11 तो लिस्ट में नहीं है जी sir. और बिगनिंग आपकी एंडिंग से ग्रेटर हो गई तो लूप चलना चाहिए? No. नहीं चलना चाहिए, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होना चाहिए। तो ये एग्जांपल से वाजे हो गई चीजें। हम वापस एल्गो की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, हमने स्टार्ट लिया बिगनिंग, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो बिगनिंग को असाइन किया और लास्ट जो इंडेक्स है हमने एंड को असाइन किया। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। स्टेप टू में हमने लूप एग्जीक्यूट किया, व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में स्टेप 3 और स्टेप 4 को हमने परफॉर्म करना है। कब तक परफॉर्म करना है? जब तक बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंडिंग हो। यानी बिगनिंग की वैल्यू चेंज हो रही है, एंडिंग की वैल्यू चेंज हो रही, लेकिन बिगनिंग हमेशा लेस देन इक्वल टू एंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। फिर आपने क्या निकालना है, मिड वैल्यू, मिड इंडेक्स। मिडल इंडेक्स निकालना है ना? यस सर। भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ गई है। अच्छा, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 और इंट यहां पे लिखने का मतलब यह है इंटीजर वैल्यू आपने पिक कर लिया। मिड वैल्यू निकल आई, मिड पॉइंट निकल आया। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट पर जो वैल्यू पड़ी है उससे मैच करना है सर्चिंग वैल्यू को। सर्चिंग वैल्यू आपके पास क्या थी? के, के से मैच करें। अगर तो वो मैच कर जाता है तो फिर हम क्या लिखेंगे, आइटम फाउंड। अगर वो मैच नहीं करता है तो फिर हमने ये देखना कि वो जो सर्चिंग एलिमेंट है मिडल एलिमेंट से स्मॉलर है या लार्जर है। अगर तो वो स्मॉलर है तो उसका लोअर हाफ कंसिडर करेंगे ना, तो लोअर हाफ जब कंसिडर करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग वही रहेगी लेकिन एंडिंग में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? मिड वैल्यू से एक स्टेप पीछे चली जाएगी एंडिंग, मिड माइनस 1 होगी। else if अगर की सर्चिंग वैल्यू मिडल एलिमेंट से मिडल वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर हमने बिगनिंग में चेंज लाना है, तो अपर हाफ को कंसीडर करना है ना। तो जब अपर हाफ को कंसीडर करेंगे तो बिगनिंग में चेंज आएगा मिड प्लस 1, एल्स नॉट फाउंड। क्लियर? क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, लोअर हाफ वाले कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं हम। मैं एग्जांपल की तरफ, ये एल्गो क्लियर हो गया आपको? एल्गो क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, इस एग्जांपल में लेट से मैं यहाँ पे अगर ये कहता हूँ कि मेरे पास मैंने 15 को सर्च करना है, मेरे पास वैल्यू है 15 या 10 या 15 मैंने सर्च करना है, ऐसे ना? तो इसका मिड निकालें, इसका मिड निकालें,
आपके पास 5 है और 5 के जो वैल्यू पड़ी हुई वो 25 है, ऐसे ना? क्या 15 25 से मैच करती है भाई? बोलते जाए, टाइम कम है, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ानी है आपको। नो सर, मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं करती, तो इसका मतलब आपने ये देखना है कि जो 15 है वो डेट ऑफ मिड से लेस है या ग्रेटर है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, लेस है, ऐसे है ना? Yes. जब लेस है तो हमने ये बात की है कि एंडिंग में चेंज आएगा। एंडिंग में क्या चेंज आएगा? एंडिंग में मिड माइनस वन होगा एल्गो के मुताबिक। तो हम लिख सकते हैं एंड जो है आपका मिड आपके पास 5 था और एंड आपके पास अब हो गया 4। तो इसका मतलब आपका ये जो बिग है, ये जो हमने लिखा हुआ है बिग, जी सर। अब बिग जो है आपके पास क्या होगा, बिग आपके पास होगा एक, अब ये बिग आपके पास ये होगा 1 और एंड आपका होगा, एंड आपका होगा 4 पे। 1 प्लस 4 कितना होता है? 1 प्लस 4, तो ये आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2.5। तो मिड आपका क्या पे होगा? 2 पे होगा। अब समझ आ रही है? और इनको आप क्या करेंगे, इनका बैकग्राउंड आप क्लियर कर देंगे, नो कलर। अच्छा जी, चलें ये कलर अभी बाद में आप कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से परफॉर्म करूंगा। अब मिडल वैल्यू से चेक करें, क्या के पे मैच करती है वैल्यू? नो सर, नहीं करती ना। के इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ मिड। डेट ऑफ मिड क्या है, यानी ये 15 इज नॉट इक्वल टू 10। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं, दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस केस में आपने ये देखना है कि आपका जो मिडल वैल्यू है उससे आपकी सर्चिंग वैल्यू, यानी सर्चिंग वैल्यू 15, उससे ग्रेटर है या लार्जर है? ग्रेटर है। एक ही बात मैंने की है, स्मॉलर है या लार्जर है? ग्रेटर है। ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट के ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड। जब मिड से ग्रेटर होता है तो हम किस में चेंज लेके आते हैं, बिगिनिंग में? बिगिनिंग में मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 होगा। और ये क्या है, मिड आपके पास क्या है 2 और प्लस 1 3 हो गया, और डिवाइडेड ये आपके पास 3 हो गया आपके पास बिगिनिंग। यानी इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसको अडॉप्ट करें, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, अब आपके पास बिग आपका 3 है, बिग आपके पास 3 होगा ना, और एंड आपके पास क्या है 4, और इन दोनों का आप निकालें मिड पॉइंट, तो आपके पास 3 निकलेगा, 3.5 निकलेगा ना मिड, और 3 पर मैच करती है वैल्यू। जब 3 पर मैच करती है तो वैल्यू फाउंड हो जाती है। क्लियर? यस सर। आप समझ आ गई है सबको? यस यस सर, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट एक बार एल्गो को देख लें, एल्गो को देखने के बाद हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। यानी ये जब आपने लोअर हाफ को कंसीडर करना है तो फिर आपने एंडिंग में चेंज लाना है, जब आपने अपर हाफ को कंसीडर करना है तो फिर आपने बिगिनिंग में चेंज लाना है, और हर बार वैल्यू का, वैल्यू को मैच करने के लिए मिडल वैल्यू निकालनी है। क्लियर? क्लियर सर। यहाँ पे देखें, एक सिचुएशन आपके पास ऐसी भी आई थी जिसमें तीनों एलिमेंट, तीनों इंडेक्स एक ही लोकेशन पे थे और उस वक्त वैल्यू कितनी थी, एक ही वैल्यू रह गई थी लिस्ट में, ऐसे ना? यस सर।
अच्छा अब यहाँ पे देखें कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च. सबसे पहले पहली जब आइट्रेशन थी तो लेंथ ऑफ एरे कितनी थी, एन. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे आपके पास एन, ऐसे ही ना. यस सर. उसके बाद आपने डिवाइड किया दो हिस्सों में, मिडल पॉइंट निकाला, मिड वैल्यू निकाली, उससे मैच किया, ऐसे ही है. अगर मैच नहीं होता तो फिर उसको आपने डिवाइड किया दो हिस्सों में, लेफ्ट और राइट. यस सर. तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में एन बाई टू होगी लेंथ, हाफ होगी ना. यस सर. और अगली आइट्रेशन में फिर हाफ हो जाएगी, एन बाई टू का हाफ. तो एन बाई टू स्केल लिख सकते हैं हम उसको. यस सर लिख सकते हैं. आफ्टर आफ्टर आइट्रेशन के आइट्रेशन के बाद उसको लिख सकते हैं एन बाई टू रेस्ट बाय के. सर के कैसे लिखेंगे, सर के से कमी है. आप देखें ना, आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन में सर थ्री के बाद सर टू आया है, थ्री के बाद टू आया तो के माइनस वन नहीं आएगा, के माइनस वन. बात सुना ना, ओरिजिनल जब आपके पास एरे थी उस वक्त आपके पास लेंथ कितनी थी, एन. एन थी ना, तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपने उसको कर दिया हाफ. यहाँ पे आइट्रेशन नंबर थोड़े से मिसिंग हुए, फर्स्ट आइट्रेशन में आपने उसको कर दिया हाफ, हाफ किया ना. यस सर. तो मैच किया आपने, मिडिल वैल्यू से मैच किया ना आपने. मैच नहीं हुआ तो उसके आपने फर्दर लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे जाएंगे, फिर उसको हाफ करेंगे. यस सर. तो अगर केथ आइट्रेशन परफॉर्म हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, एन बाई के टू रेस्ट पावर के. यस सर. और अच्छा के डिवीजन के बाद, मतलब के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद या डिवीजन के बाद टोटल लेंथ ऑफ एरे बिकम्स वन. आपने ये भी देखी थी कि आपने लास्ट जो एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट बच गया था. तो लेंथ ऑफ एरे बिकम्स वन कब, के डिस्ट्रीब्यूशन या के डिवीजन के बाद. और लेंथ ऑफ एरे ये जो kth iteration के बाद जनरेट हुई थी n over 2 raised by k is equal to 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है. और यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म करें तो 2 raised by k इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 raised by k इधर आ गया, इधर n रह गया. यस सर. दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, बाइनरी लॉग अप्लाई करें तो दोनों तरफ बाइनरी लॉग अप्लाई करने से आपके पास ये सामने आपके लॉग अप्लाई हुआ. लॉग अप्लाई होने के बाद लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है कि जिसका लॉग निकाला जाए अगर उसकी पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. के को हमने बाहर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट बना दिया उसका, ऐसे ही ना. और जिस वैल्यू का लॉग निकाले अगर उस लॉग की बेस भी सेम हो तो आंसर आपके पास वन होता है. जैसे log of a of a वन, अब ये वन के इक्वल, तो k को हम लिख सकते हैं log of 2n. kth iteration के बाद log of 2n आ रहा है आंसर, log of n आ रहा है क्योंकि वहां पे तो वन हो जाएगा log 2 of 2, ठीक है. तो उसके बाद log of 2n को हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिग ओ नोटेशन में ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन.